हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे हिंदी सुलभ भारती आठवीं कक्षा इस पुस्तक का दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 2, दो लघु कथाएं। इसके पहले हमने इकाई पहली और दूसरी इकाई का पोयम 1 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर मेरा प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हरि जोशी जी द्वारा लिखी गई दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं मतलब क्या? दो शॉर्ट स्टोरीज। लघु कथाएं मीन्स शॉर्ट स्टोरीज जिन्हें लिखी है हरि जोशी जी ने। तो हम हमारे लेखक का परिचय जान लेते हैं। जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश। परिचय सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी के लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सरस्वत सम्मान, बागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। सेवानिवृत्त मतलब क्या होता है बच्चों? रिटायर्ड प्रिंसिपल। प्राध्यापक मीन्स प्रिंसिपल। जो हमारे हरि जोशी जी है वो क्या है? रिटायर्ड प्रिंसिपल है। उनकी जो भी साहित्य की जो रचनाएं हैं वो हिंदी की लगभग जितनी भी पॉपुलर मैगजीन्स है उनमें प्रकाशित होती रहती है। उन्हें दो अवार्ड मिले हैं, गोयन का सारस्वत सम्मान और बागेश्वरी सम्मान। और उनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। अब गद्य संबंधी हम जानकारी देख लेते हैं। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। यानी कि अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमारे साथ भी क्या होगा? गलत ही होगा। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक है उन्होंने क्या बताया है? कठोरता स्ट्रिक्टनेस की कंपेयर में अगर हम पोलाइट रहे तो वो जो पोलाइटनेस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। जो इंसान घमंड करता है, प्राउड करता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसका जो सर है वो हमेशा नीचे होता ही है। अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तब हम स्टार्ट करेंगे दो लघु कथाएं में से पहली नींव। इसी वीडियो के अंत में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मिलने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली क्या है? नींव। नींव मतलब क्या होता है बच्चों? फाउंडेशन। नींव मीन्स फाउंडेशन। आपने कभी बिल्डिंग बनती हुई देखी होगी, इमारतें बनी हुई देखी होगी, तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने जमीन को खोदकर उनकी क्या बनाते हैं? नींव बनाते हैं। क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो जो बिल्डिंग है वो भी मजबूत होगी। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो दीवार की नींव है वो नींव बन रही थी। यानी कि जो नींव से, जो फाउंडेशन से वहां की दीवार है वो उठ रही थी। ठेकेदार नया था। जो कॉन्ट्रेक्टर था वो क्या था बच्चों? नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और पांच तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। वो थोड़ा सा भयभीत था, थोड़ा सा डरा हुआ था। मे बी उसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फर्स्ट हो, तो थोड़ा सा जो इंसान रहता है कभी भी वो क्या होता है? थोड़ा नर्वस हो जाता है। अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं या कोई चीज हमारी पहला होता है तो हमें थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाती है।
तो वह क्या कर रहा था, एक तगारी सीमेंट, तगारी मतलब जो घमेला, आपने काम करते हुए मजदूरों को देखा होगा जो कि सर पे लेके माल लेके जाते हैं और ढालते हैं, वो क्या होता है तगारी, मतलब जो वो क्या होता है घमेला होता है। तो वो क्या कर रहा था, एक तगारी सीमेंट ले रहा था और उसमें 5 तगारी रेत के मसाले से इंटो की जुड़वाई कर रहा था, यानी कि 1:5 का वो रेशियो ले रहा था सीमेंट और रेत का, मट्टी का। अगले दिन अधिकारी महोदय आए, तो नेक्स्ट डे कौन आए, उनके जो अधिकारी थे, जो इंस्पेक्टर थे, जो ऑफिसर थे, वो आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया, तो जो काम चल रहा था उसके प्रति उन्होंने क्या किया, घोर असंतोष। घोर असंतोष मतलब वो सेटिस्फाई नहीं थे, जो कॉन्ट्रेक्टर काम करवा रहा था उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं थे। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो जो उनके जो अधिकारी आए थे, जो इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको इसी तरह काम करना है तो आप कहीं और जाकर काम कीजिए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से इंटो की जुड़ाई की। तो अब उनको क्या लगा कि मैं 1 तगारी सीमेंट ले रहा हूँ, 1 घमेला सीमेंट और उसमें 5 रेत मिला रहा हूँ, यानी कि मैं 1:5 का रेशियो ले रहा हूँ, तो शायद वो सही नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे महोदय साहब है वो हमसे नाराज है। तो उसने क्या किया कि 1 घमेला सीमेंट में अब उसने 3 तगारी रेत की बनानी शुरू की, यानी कि 1:3 का अभी उन्होंने सॉल्यूशन लिया और उससे इंटो की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, तो नेक्स्ट डे वापस से वही अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह ढाली और गर्म हो गए। उन्होंने जो नींव बिल्डिंग की जो नींव बन रही थी उस पर एक निगाह ढाली, मतलब एक देखा उसने, और फिर से वो क्रोधित हो गए, गर्म हो गए, मतलब गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो वो जो अधिकारी थे उन्होंने ये तो नहीं बता रहे थे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सुधार करना है, बस उन्होंने जाकर उनसे कह दिया, वार्निंग दे दी, चेतावनी दे दी कि अगर कल तक ये जो काम आप कर रहे हो उसमें पर्याप्त सुधार यानी कि अच्छी तरह से नहीं किया गया तो यहाँ पर मैं जो काम है वो बंद करवा दूंगा। अब जो ठेकेदार था वो तो नया था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी जो गलती है वो कहाँ हो रही है। तो जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही, क्योंकि वो न्यू था तो उसे समझा नहीं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। तो उसने क्या कहा किया, एक अनुभवी ठेकेदार यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रेक्टर था उससे जाकर अपनी समस्या के बारे में बात की और उनसे सजेशंस मांगा। तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। अब जो अनुभवी थे वो एक्सपीरियंस्ड थे, तो उनको पता था कि ये जो हमारे महोदय साहब हैं वो इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो समझ में आ गया वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, रिश्वत चाहिए यानी उन्हें ब्राइब चाहिए, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। क्योंकि आप अगर उसे ब्राइब कर दो, रिश्वत दे दो, तो वो आपके काम में कोई कमी नहीं बताएंगे। नया ठेकेदार ईमानदार था और जो हमारे न्यू कॉन्ट्रेक्टर साहब थे वो क्या थे, बहुत ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था, ना तो वो रिश्वत लेना चाहता था ना वो रिश्वत देना चाहता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में दोनों ही चीजें क्या है, क्राइम है, अपराध है। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो उसने सोचा ये जो करप्ट अधिकारी है, ऑफिसर है, उसको मैं लेसन सिखाऊंगा। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, तो अगले दिन जो फिर से वो महोदय थे, जो इंस्पेक्टर थे, वो वापस से निरीक्षण करने आए, इंस्पेक्शन करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। तो वो जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रेक्टर थे, उन्होंने क्या किया, लिफाफे में रुपए भरकर उसे दे दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। वो अधिकारी थे, उन्हें तो सिर्फ रिश्वत चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, उन्हें काम में तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो जैसे ही वो पैसे लेकर जाने लगे तो उनसे भी जो बड़े ऑफिसर थे वो वहां पर पहुंच गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, और जो हमारे अधिकारी महोदय थे वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों
पकड़े गए, यानी कि अपराध करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष उसको पकड़ लिया था कि ये हमारे सामने अपराध करते हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। यानी हुआ यूं था कि जो हमारे ऑनेस्ट कॉन्ट्रेक्टर थे, उन्होंने अधिकारी महोदय के खिलाफ पहले ही, उनसे जो बड़े ऑफिसर थे, उनसे जो हायर पोस्ट पे थे, उनके पास में उनकी कंप्लेन कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, अब यहाँ पर उच्च जो अधिकारी थे वो जो हायर ऑफिसर थे वो भी ऑनेस्ट थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। कुछ एक भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, कुछ सारे के सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो करप्टेड नहीं होते, लेकिन कुछ एक दो जो ऐसे होते हैं गिने चुने जो करप्ट होते हैं, तो उनकी वजह से ही पूरा जो हमारा सिस्टम है वो क्या होता है, बदनाम हो जाता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। इसलिए उन्होंने जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो करप्ट अधिकारी थे, उनको सजा दिलवाने का उन्होंने मन बना लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। सच में कहते हैं ना, अगर आप बुरा करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो भी बुरा ही होगा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा काम मिलेगा। अगर आप बबुल का पेड़ बोओगे तो आपको वहां पर आम खाने को तो नहीं मिल सकते, क्योंकि बबुल के पेड़ में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, तो वही आपको कांटे वापस से मिलने वाले हैं। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया, और जो कॉन्ट्रैक्टर और जो हायर ऑफिसर थे उनकी जो ईमानदारी थी, उनकी जो ऑनेस्टी है, ये जो बात है वो सब तरफ फैल गई। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, तो उनका जो पब्लिक इवेंट हुआ था उनमें उनका क्या किया गया, सम्मान किया गया, मतलब उनको मतलब अवार्ड दिए गए, सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको दिए गए। तो बच्चों इसमें हमको क्या पता चला कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमें उसका नतीजा हमेशा क्या होगा, बुरा ही होगा। इसलिए हमेशा हमें बुरे काम करने से बचना चाहिए। चाहे रिश्वत लेना है, वह भी क्या है, एक बुरा काम है, और वो रिश्वत लिया तो वो रिश्वत लेते पकड़ा गया और उसे दंड मिला। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लघु कथा, जीभ का वर्चस्व। जीभ मतलब अपनी जो टंग, वर्चस्व मतलब उसका मतलब जीभ का महत्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे, क्योंकि जो आपने देखे होंगे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लाइन में होते हैं और हमेशा एक साथ में रहते हैं। तो इस तरह से रहने से वो जो दांत थे वो बहुत दुस्साहसी हो गए थे, मतलब बहुत घमंड आ गया था उनको। एक दिन वे गर्भ में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तो एक दिन जो दांत थे उनको क्या हुआ, घमंड आ गया अपने ऊपर, तो उन्होंने जीभ से बोला, क्या कहा कि हम क्या है, 32 है। उन्होंने क्यों कहा कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि बच्चों हमारे कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक से एक मजबूत। और जो हमारे दांत है, जो हमारे जो दोस्त है, वो सब क्या है, स्ट्रांग है, मजबूत है। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। और जीभ से कहा, तू तो अकेली है, तो हमारी इच्छा होगी तो हम तुम्हें जीभ से मुंह से बाहर ही ना निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था, जो जीभ थे उसने पहली बार ऐसे जो बुरे विचार है, मतलब जो अच्छे विचार नहीं है वो सुने थे। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। तो जो जीभ थी उसने क्या कहा, तुम ऊपर से तो दिखने में बड़े सफेद हो, लेकिन तुम अंदर से क्या हो, कपटी हो, यानी जैसे हम बोलते ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वैसे ही वो हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काली घोषित करने वाली जीभ, वाचलता छोड़, अपनी औकात में रहे। अब जो दांत थे उनको गुस्सा आ गया, तो क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि तुम ऊपर से तो अच्छे हो, स्वच्छ हो, लेकिन अंदर से क्या हो, तुम्हारा मन है वो काला है। तो तुम मुझे हमें ऐसे घोषित करने वाली जीभ, तू अपनी वाचलता छोड़, अपनी तू अपनी औकात में रहे, तू अपनी लिमिट्स में रहे, हम तुझे चबा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तुमको चबा जाएंगे। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है,
तो जुदान तब जिब्बा से बोलते हैं कि तू ये मत भूलना कभी भी, क्योंकि हम तुम अभी तक हो, क्योंकि हमने तुमको चबाया नहीं है, तुम हमारी कृपा पर ही तुम क्या कर रही हो, राज कर रही हो। दांतों ने किटकिटाकर कहा, दांतों ने मतलब गुस्से से कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, लेकिन जीभ थी उसने अपनी जो पोलाइटनेस है वो नहीं खोई, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। तो जीवा ने क्या कहा कि जो दूसरों को चबाना चाहते हैं वो खुद भी जल्दी टूटते हैं, यानी कि कहते हैं ना कि अगर हम दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो उस खड्डे में सबसे पहले हम खुद ही गिर जाएंगे, अगर हम दूसरों का बुरा करना चाहेंगे तो हमारा खुद का ही बुरा हो जाएगा। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, अब देखे होंगे जो दांत होते हैं, सामने के जो दांत होते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। तो तुम लोग कैसे हो, अवसरवादी हो, क्योंकि जब तक जवान है जब तक तो वो उनका साथ देंगे, लेकिन जैसे उनका बुढ़ापा आता है तो वो तुम उनका साथ छोड़ देते हो। जब तुमको जब उनको तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम छोड़ देते हो, यानी कि तुम क्या हो, मौका परस्त हो। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो, जब जैसे इंसान बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि जो दांत है वो गिर जाते हैं। आपने भी अपने दादा दादी के देखे होंगे, नाना नानी के देखे होंगे कि उनके जो दांत है वो गिर गए। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे, जो दांत थे वो भी बोले कि हम तो बड़े शक्तिशाली है तो हम क्यों हार माने। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। तो क्या दांत बोलते कि जो हमारी जड़ें हैं, हमारे जो रूट्स है वो बहुत गहरी है, बहुत अंदर तक है, बहुत डीप है, और हम कैसे हैं, हम कड़े हैं और नुकीले हैं, तो इसकी वजह से बड़े बड़े लोग जो है वो हमसे क्या करते हैं, थर्राते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग हमसे घबराते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, जिह्वा ने जो अपना विवेक था वो नहीं खोया, उसने उसी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जो तुम बता रहे हो कि हम नुकीले हैं, हम कड़े हैं, तो तुम्हारा जो ये क्षेत्र है, तुम्हारा जो किंगडम है वो कहाँ है, सिर्फ मुंह के अंदर तक ही है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो जो जीभ है वो कहती है कि मैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हूँ, मैं पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर सकती हूँ, और इवन मुझमें इतनी ताकत है कि मैं पूरी दुनिया को मेरे सामने झुका भी सकती हूँ। अब उन्होंने जो जीभ है उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर हम जब बोलते हैं तो हमारी जीभ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको पता है बिना जीभ के हम बोल नहीं सकते, और अगर हम अच्छा बोले, प्यार से बोले, तो हमारी जो पूरी दुनिया है वो हमारी क्या बन हो जाती है, कायल हो जाती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, और दांत भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने फिर से धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। तो जीभ को वो कहते हैं कि तू तो अंदर अकेली है और हम सब तुझको घेर के रखे हैं, तू बता अब तक तू कब तक हमसे बच पाएगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अब जो जीभ थी तो उसने घमंड के जो दांत थे उनके जो घमंड था उसको नष्ट करना था, चूर करना था, तो उसने भी उनको चेतावनी दी, वार्निंग दी। डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो उसने क्या कहा कि मैं किसको बुलाऊं, डॉक्टर को बुलाऊं, यानी कि डेंटिस्ट को बुलाऊं, दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट को मैं बुलाऊं, अगर डेंटिस्ट आएगा तो वो सबको तुमको एक एक करके क्या करेगा, मुंह से आउट कर देगा, लेकिन मुझे तो वो छुएगा भी नहीं और तुम सब कहाँ दिखाई दोगे, मुंह के बाहर। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, अब जो उनका घमंड था वो टूट चुका था, अब उनके पास में कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब देने लायक वो बचे नहीं थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में।
जी किसी को भी शक्ति, जो बात करने में शक्ति है वो पसंद नहीं होती है, तो इसीलिए तो हड्डी में भी क्या सॉरी जबान में भी हड्डी नहीं दी, जीभ में भी हड्डी नहीं दी, क्योंकि ताकि जो जीभ है वो भी शक्ति के साथ ना बोले, वो जब भी बोले मीठा बोले। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया, जो घमंडी दांत थे उसने स्वीकार कर लिया कि जो जीभ है वो हमसे क्या है श्रेष्ठ है। तो इसके द्वारा कवि सॉरी लेखक ने हमें क्या बताया है कि घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय होते हैं, किसी को भी घमंड पसंद नहीं है ना ही कठोरता पसंद है। अगर हम घमंड करते हैं कठोर होते हैं तो वो क्या है हानिकारक होती है। हमें हमारा आचरण कैसा बनाना चाहिए, विनम्र बनाना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, नम्रता के साथ हमें बातें करनी चाहिए, हमारा जो नेचर है हमारा जो बिहेवियर है वो हमेशा पोलाइट होना चाहिए, हमारा आचरण हमेशा विनम्र होना चाहिए। तो बच्चों अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। कृतियां पूर्ण कीजिए, संज्ञा पूर्ण कीजिए। पहला है दांतों की विशेषताएं, दांत पंक्तिबद्ध थे, एकजुट रहते थे, घनिष्ठ मित्र थे, दुस्साहसी थे। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी, डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ, जिह्वा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया गलत, दांत घमंडी थे सही, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई गलत, ठेकेदार पुराना था गलत, उचित जोड़ियां मिलाओ, बहुमंजिला इमारत, अधिकारी भ्रष्ट, नया ठेकेदार ईमानदार, सार्वजनिक समारोह सम्मान। वाक्य पूर्ण कीजिए, अधिकारी ने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए, अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, निगाह नजर, इमारत भवन, सलाह सुझाव, नया नवीन। वचन बदलिए, दीवार दीवारें, मसाले मसाला, ईंटों ईंट, कमी कमियां। ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, विषय पर अपने विचार लिखिए, ईमानदारी मनुष्य का विशेष गुण है, वह व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है, यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है, ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति माना जाता है, हालांकि इसका पालन करना आसान नहीं होता, ईमानदारी जीवन में बुरी से बुरी स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस से करने में सक्षम बनाती है, यह रिश्तों में विश्वास का निमंत्रण करती है निर्माण करती है, ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है, सभी पहलुओं पर ईमानदारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जीवन पर सकारात्मक योगदान देता है। उचित जोड़ियां मिलाइए, अधिकारी भ्रष्ट, सार्वजनिक समारोह सम्मान, भ्रष्ट अधिकारी दंड। आकृति पूर्ण कीजिए, अगले दिन अधिकारी महोदय यह करने आए निरीक्षण, उच्च अधिकारी और ठेकेदार का सार्वजनिक समारोह में यह किया गया सम्मान। विलोम शब्द लिखिए, सम्मान अपमान, ईमानदार बेईमान, प्रसन्न अप्रसन्न,
दंड पुरस्कार रिश्वत स्त्रीलिंग नतीजा पुल्लिंग शिकायत स्त्रीलिंग निरीक्षण पुल्लिंग स्वमत भ्रष्ट आचरण समाज के विकास में बाधक है विषय पर अपने विचार लिखिए। निजी लाभ के लिए सरकारी सत्ता और संसाधनों के प्रयोग को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। भ्रष्टाचार देश तथा समाज के विकास में अवरोध का एक बड़ा कारक बनता जा रहा है। इसकी जड़ें समाज में गहराई तक व्याप्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति शक्ति और सत्ता का प्रयोग अपनी आत्मसंतुष्टि और निजी स्वार्थ के लिए करता है। आज भ्रष्टाचार से कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, चाहे वह सिविल सेवा हो, शिक्षा हो, खेल का मैदान हो, व्यापार हो या राजनीति हो। यह एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक क्षमता के साथ खेल खेल रही है। लोगों में पैसा पद सत्ता और भव्य जीवन शैली की लालसा के कारण यह लगातार बढ़ता जा रहा है। वाक्य पूर्ण कीजिए। ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। यह मत भूलो कि हमारी कृपा पर ही राज कर रही हो। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है विषय पर अपने मन के भाव लिखिए। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं तथा वह सर्वत्र सराहना का पात्र बनता है। विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। विनम्रता का अर्थ है कि यदि हमारे लिए कोई कुछ करे या हमारे कार्य में हमें सहयोग दे तो हमें उसका आभार मानने और उसे हृदय से धन्यवाद दे। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम तुरंत उसे मानकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। बड़ों से झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। इन सब से हमारे मन का अहंकार गलता है और मन साफ होता है। मुहावरों का उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नाक में दम करना अर्थ बहुत तंग करना। शरारती छात्रों ने नई शिक्षिका की नाक में दम कर दिया। दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्यचकित रह जाना। 4 वर्षीय आनिया को स्केटिंग करते देख प्रशिक्षकों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। गले का हार होना अर्थ अत्यंत प्रिय होना। रुचि अपने गुणों के कारण सबके गले का हार बनी हुई है। मुंह मोड़ना कर्तव्य से विमुख होना। वाक्य विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर आजकल भारतीय युवक भी अपने माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं। स्वमत घमंड मनुष्य का शत्रु है विषय पर अपने विचार लिखिए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई न कोई हुनर देकर पृथ्वी पर भेजा है। हमारे पास जो भी हुनर है हमें उस लोगों में बांटना चाहिए। अगर आप गणित में अच्छे हैं तो गणित में कमजोर विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं। घमंडी व्यक्ति अपनी काबिलियत रूप रंग धन दौलत या अपने पद की वजह से स्वयं दूसरों को से बड़ा समझता है। घमंड एक ऐसी बुराई है जो मनुष्य के अंदर की हजारों अच्छाइयों को दबा देती है। घमंडी मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने लगता है। घमंडी कभी न कभी मुंह के बल गिरता जरूर है। उसका घमंड उसे एक दिन सबके सामने शर्मिंदा कर बैठता है। घमंड मनुष्य के शत्रु के सम्मान है जो सदैव उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमने 2 लघु कथाएं ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज और क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो न्यू चैप्टर के साथ लकड़हारा और वन। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया या यूजफुल हुआ तो ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए. सो थैंक यू वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ.